आज का ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए क्योंकि हम बात करने वाले हैं बॉश के डिश वॉशर एस एम एस सिक्स एच वी आई जीरो के बारे में ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी कि ये डिश वॉशर किस तरीके से वर्क करता है आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं इंडियन किचन के लिए क्या ये हेल्पफुल है भी या नहीं हाई एवरी वन आई एम आभैन वेलकम बैक टू अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें विद आईकन एंड नॉलेट्स सो so गायस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सबसे पहले तो हम डिशवॉशर की क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसे मैंने यहाँ के लोकल बॉच स्टोर से ही परचेज किया है प्री बुकिंग पर तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं लोकल भी परचेज कर सकते हैं अमेजोन पे अभी अच्छी खासी सेल चल रही है तो आप चाहो तो अभी जाकर के परचेज कर सकते हो तो so इस तरह की स्टडी कार्डबोर्ड आउटडोर पैकेजिंग है इस डिश वॉशर की और बॉक्स पर ही आपको सारी डिटेल्स मेंशन की हुई मिल जाएंगी मॉडल नंबर से लेकर के प्राइस डिटेल तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है इसके अंदर की भी पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी है और वेल पैक्ड होकर के ही ये डिश वॉशर आपको आपके डो स्टॉप पर रिसीव होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि परचेजिंग के बाद जो पर्सन इंस्टॉलेशन के लिए आया था घर उन्होंने ही इसे अनबॉक्स किया और हम हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि इंस्टॉलेशन इंजीनियर ही प्रोडक्ट को अनबॉक्स करें तो चलो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको बताती हूँ और उसके बाद में इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं सो अभी कुछ समय पहले ही हमने बॉश डिश वॉशर का लेटेस्ट मॉडल परचेज किया है स्टोर से जो कि आता है फोर्टीन प्लेस सिटिंग में इसका जो लुक है वो काफी ज्यादा स्लीक है एंड क्लासी लुक है ऑल्सो इसमें आपको ट्वेल्व एंड प्लेस का भी मॉडल मिल जाएगा मशीन के साथ ही आपको आपको अंदर से मिलती है 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 एक किट जिसमें मैनुअल मिलता मिलता यूजर इंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन किट मिलती है एंड मिलता है आपको वॉशिंग एजेंट वॉशर के लिए हमने एक बॉटम स्टैंड भी परचेज किया था एमेजोन से जो कि हम यहाँ पर अभी इंस्टॉल करवा रहे हैं तो अगर आप मशीन को बाहर इंस्टॉल करा रहे हैं आउटसाइड में कहीं पर तो वहां पर आपको मेरे हिसाब से

के बाद में आपको इसे प्री रिंस करना होता है प्री रिंस करने से क्या होता है कि मशीन आपके अंदर से क्लीन हो जाती है और डिशेज uh, रखने के लिए रेडी हो जाती है यूजर मैनुअल में आप इसके फीचर्स एंड डिटेल्स अच्छे से पढ़ सकते हैं यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में चीजें बता रही हूँ मशीन के फ्रंट साइड सेंटर टॉप पर आपको मिलता है एक डिस्प्ले जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलती है एंड बटन मिलते हैं अलग अलग प्रोग्राम के लिए बोथ साइड आपको पार एंड रीसेट बटन मिलती है जिसे यूज करके आप प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं एंड पॉज भी कर सकते हैं पार बटन ऑन करने के बाद में एक से दो सेकंड में मशीन रेडी हो जाती है देन इसके बाद में आप इसका डोर ओपन कर सकते हो इस तरीके से मशीन का इनसाइड लुक है यहां पर आपको तीन डिफरेंट बास्केट मिलती हैं बड़े वेसल्स के लिए बड़े पॉट्स के लिए आपको नीचे बड़ी बास्केट मिलती है देन मीडियम बास्केट है छोटे छोटे बर्तन के लिए डिशेस के लिए एंड कप्स ग्लासेस के लिए एंड देन ऊपर वाली जो बास्केट है यानी जो ट्रे है हमारी वो स्पेशली कटलरी के लिए बनाई हुई है यानी कि जो हमारी लेडल्स होती हैं स्पून फोक नाइफ वगैरह होते हैं उसे हम यहां पर रख करके अच्छे से क्लीन

में सारे टेबल वेयर कंटेन कर सकते हैं वॉश के लिए सो so, मेडल वाले बास्केट में आप छोटे छोटे बर्तन यहाँ पर वॉश कर सकते हैं रख के लाइक डीप बाउल हो गया छोटे वाले पतीले हो गए कप्स ग्लासेस वाइन ग्लासेस भी आप यहाँ पे रख सकते हैं बड़ी छोटी हर तरह के ग्लासेस कप मगस सब कुछ यहाँ पर आप रख करके क्लीन कर सकते हो स्टील की कटोरिया स्टील की प्लेट और इस तरह के नाश्ता वाली जो प्लेट होती हैं वो भी आप यहाँ पे रख करके अच्छे से क्लीन कर सकते हो राइट एंड साइड पे आपको छोटी छोटी सी दो जालियाँ मिलती हैं जिसमें कि आप फोक एंड स्पून वगैरह भी क्लीन कर सकते हो अगर आप हाफ लोड में मशीन चला रहे हो थर्ड वाली एक ट्रे है जिसमें आप कटलरी वगैरह स्टोर कर सकते हैं एंड क्लीन कर सकते हैं इस ट्रे में एक साथ ही बहुत सारी स्पून नाइफ फोक वगैरह आप रख सकते हैं इनफैक्ट बड़ी बड़ी लैडल जो कि हम इंडियन किचन में यूज करते हैं उसे भी आप इसमें रख करके क्लीन कर सकते हैं इसके प्लेसमेंट के तरीके कुछ इस तरीके से होते हैं स्पून एंड फोक वगैरह आपको कुछ इस तरीके से प्लेस करनी होती है अगर बहुत सारे हैं अदरवाइज नॉर्मली आप वर्टिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं अब इसमें आप कोई भी डिश वॉशिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते इसका स्पेसिफिक वॉशिंग एजेंट आता है जिसका यूज करना होता है आपको इसमें आप बॉश का या फिर फिनिश ब्रांड का डिश वॉशिंग एजेंट परचेज कर सकते हो मशीन के अंदर साइड में बॉटम साइड में अगर आप देखें तो यहां पर आपको एक कंटेनर मिलता है जिसमें कि आपको स्पेसिफिक सॉल्ट ऐड करना होता है जिस मशीन के लिए अवेलेबल होता है इसके बाद ही आपको मशीन ऑपरेट करना होता है अगर आप सॉल्ट एंड डिश वॉशिंग एजेंट नहीं डालना चाहते हैं तो सोप भी अवेलेबल होता है आप चाहो तो सोप का भी यूज कर सकते हो मशीन के डोर के इन टॉप पर आपको यहाँ पे दो कंटेनर मिलता हैं फर्स्ट कंटेनर में आपको रिंग एड डालना होता है सेकेंड कंटेनर में आपको डालना होता है वॉशिंग एजेंट यहाँ नीचे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा एम्प्टी कंटेनर जहां पर आप सोप ऐड कर सकते हैं अगर आप ये तीनों चीज ऐड नहीं करना चाहते हो तो सोप ऐड करने के बाद में आपको इसकी लिड को क्लोज कर देना है और की आवाज आएगी जिसका मतलब है की लिड क्लोज हो गई है तो अब आप मैं आपको डिशेज वॉश करके दिखाती हूँ जो बर्तन हम यूज करते हैं रेगुलरली वो मैं वॉश करके दिखाऊंगी अच्छे खासे गंदे बर्तन होंगे दूध के बर्तन चिकने बर्तन वो सब मैं क्लीन करके बताऊंगी और देखते हैं किस हद तक ये मशीन उन्हें क्लीन कर पाती है तो इसमें मैंने कई दिनों तक डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बर्तन यूटेंसिल्स वॉश करके देखे जिससे कि कि पर्सनली मुझे मिल पाए कि हाँ ये मशीन अच्छे से वर्क कर रही है और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है है कर रही है। और जिसके बाद में आपको मैं पॉजिटिव रिव्यू दे पाऊँ तो अभी यहाँ पर मैं सॉल्ट रिंस एड एंड वॉशिंग एजेंट की जगह डायरेक्टली सोप का यूज कर रही हूँ जो मुझे इस मशीन के साथ में ही मिला था कंटेनर में रखने के बाद मैंने लिड को क्लोज कर दिया है नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम यानी बर्तन को हम यहां पर रख लेंगे जो गंदे डिशेज हैं उन्हें यहां पर हम प्लेस कर लेंगे तीनों बास्केट में उसके बाद ही मशीन को ऑन करेंगे क्योंकि मशीन में अंदर मॉइस्चर हो सकता है मशीन अंदर से गीली हो सकती है इसलिए आप मशीन की पार बटन को बाद में ही ऑन करें यहाँ पर मैं इसमें डिशेस वगैरह प्लेस कर रही हूँ प्लेट्स वगैरह मैंने रख दी और आप देख सकते हैं मैंने दो डिफरेंट टाइप की प्लेट्स यहाँ पर रखी है इस तरीके से आप इसका प्लेसमेंट कर सकते हैं बैक साइड में मैं यहाँ पर जो मेरा थ्री लीटर का स्टील का कुकर था उसे प्लेस कर रही हूँ उसकी लिट भी प्लेस कर रही हूँ और आप देख सकते हैं बर्तन काफी सारे गंदे हैं और इस तरह से आप दो बर्तन यहाँ पे प्लेस कर सकते हो बैक साइड में अगर बर्तन बहुत बड़ा है तब आप एक बर्तन यहाँ पे रख सकते हो मिडिल वाले बास्केट में मैं ग्लास कप कटोरिया स्मॉल बाउल्स बिग बॉल्स हर तरह की चीजें यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ और इसी तरीके से मैं इसे रख के वॉश करती तो बेसिकली आपको यहाँ पर ग्लासेस को ऐसे प्लेस करना है बाउल्स एंड कप को इस तरीके से प्लेस करना है एंड अगर स्पून है तो साइड में आप जो जाली दी हुई है उसमें आप प्लेस कर सकते हैं अगर ज्यादा स्पून है तो आप सेपरेट ट्रे में प्लेस कर सकते हैं मैं यहाँ पर बेबी बॉटल्स को भी प्लेस कर रही हूँ क्योंकि दूध की स्मेल काफी ज्यादा आती है बेबी बॉटल में से आप समझ सकते हैं अगर आप एक मॉम हैं तो और देखते हैं कि यहाँ पर कितने अच्छे से ये क्लीन हो पाती है कटलरी बास्केट में इस तरीके से आप स्पून फोक एंड नाइफ को प्लेस कर सकते हैं बड़ी लेडल्स को भी कुछ इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट ट्रायल में मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट बर्तन प्लेस किए हैं दूध के बर्तन हैं, सब्जी के बर्तन हैं, दही का बर्तन है घी का कंटेनर भी है वो भी मैंने यहाँ पर पेश किया और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा चिकना बर्तन है तो मैं बस ये देखना चाह रही थी कि ये जो चिकने बर्तन होते हैं उन्हें कैसे क्लीन करता है मलाई वगैरह वाले जो बर्तन होते हैं वो कैसे क्लीन होते हैं बर्तन को आपको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करना है क्योंकि नीचे से जो तो शावर आता है वो बर्तन को अच्छे से क्लीन करता है अगर बर्तन एक के ऊपर ओवरलैप होंगे तो वो क्लीन नहीं कर पाएगा इसके साथ बेनिफिट ये है कि आप पूरे दिन के बर्तन इसमें आराम से क्लीन कर सकते हो बर्तन क्लीन हो जाते हैं स्पेशली जो छन्नियाँ वगैरह होती हैं स्ट्रेनर वगैरह होते हैं ना चाय के वो अक्सर ही काले हो जाते हैं बट इसमें अच्छे से क्लीन होकर के आते हैं जितनी भी चिकनाई होती है वो सब कुछ निकल जाती है जितने भी बर्तन होते हैं लाइक ग्लास वेयर एंड टेबल वेयर वगैरह डिनर सेट आपके जो भी बर्तन आप इसमें प्लेस करते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं बर्तन पे एक शाइन मिलती है आपको एंड बर्तन ड्राई भी हो जाते हैं तो यहाँ मैंने इस डिश वॉशर के लिए बॉश का ऑल इन वन डिश वॉशिंग सोप परचेज किया है आप फिनिश ब्रांड का भी परचेज कर सकते हो दोनों इक्वली वर्क करते हैं और इसमें आपको सेपरेटली कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है मशीन में प्रोग्राम सेट करने के पहले आप ऑन कर लीजिए और सामने आपको मिलता है ये डिस्प्ले और आप देख सकते हैं कि पाँच से छः सेकंड के अंदर ही ये मशीन रेडी हो जाती है यूज़ करने के लिए प्रोग्राम सेट करने के लिए यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोग्राम मिल जाते हैं इको ऑटो इंटेंसिव कढ़ाई मिक्स लोड प्री रेंस फेवरेट्स और अदर साइड पे आपको मिलता है स्टार्ट इन आर मोड रिमोट मोड एक्स्ट्रा ड्राई मोड इंटेंसिव जोन एंड हाफ लोड मोड ऑल्सो आपको स्पीड परफेक्ट का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है तो स्पीड परफेक्ट का जो ऑप्शन है ये आपका मिक्स लोड के साथ में चलता है इंटेंसिव कढ़ाई के साथ में चलता है एंड ऑटो के साथ में भी चलता है आप चाहो तो हाफ लोड का ऑप्शन सेलेक्ट करके अगर आपके पास में कम बर्तन है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो अभी तक के यूज़ करने के बाद में मुझे मिक्स लोड का जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो सबसे बेस्ट लगा आप चाहो तो इस प्रोग्राम में स्पीड परफेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसकी जो टाइमिंग है उसे कम कर सकते हो जस्ट हाफ हो जाती है टाइमिंग और आप जल्दी आप चाहो तो बर्तन में आप वॉश कर सकते हो अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है नॉर्मली ये टू आर एंड फोर्टी मिनट्स का टाइम लेता है एंड अप्रोक्सी मिनट्स का टाइम लेता है एंड एंड मिनट्स का मैक्सिमम टाइम होता है इंटेंसिव uh, कढ़ाई जोन में तो आप इस तरीके से आपके uh, जो रिक्वायर्ड मोड हैं उसमें से आप कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं अब सपोज आपके पास पे सारे ही बर्तन बहुत चिकने हैं बहुत ज्यादा तेल वाले बर्तन हैं या घी वाले बर्तन हैं तो आप इंटेंसिव कढ़ाई जो मोड है जो 70 डिग्री पर वो वॉश करता है बर्तन को वो मोड सेलेक्ट करके फुल स्पीड में आप इसे चला सकते हैं मेरे हिसाब से जो आपके ज्यादा चिकने बर्तन है ज्यादा गंदे बर्तन है या फिर बड़े बर्तन है जिसमें ज्यादा चिकनाई है उसमें आप स्पीड परफेक्ट का ऑप्शन ना सेलेक्ट करें टेंसिव कढ़ाई के साथ में आप एक्स्ट्रा ड्राई का ऑप्शन सेलेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हो अब यहाँ पर आपको एक टाइम सेविंग ऑप्शन मिलता है स्टार्ट इन आर का जो कि टाइमर ऑप्शन है अगर आपके पास में सुबह जल्दी उठने का टाइम नहीं है या फिर आपको कहीं बाहर जाना है और आप चाहते हो कि आपके बर्तन जब तक आप वापस आते हो या फिर आप जब तक सुबह उठते हो वो वॉश होकर आपको मिल जाए तो आप रात में ही सारे बर्तन को इसमें प्लेस कर दीजिए और इसका मोड सेलेक्ट कर दीजिए कि जितनी देर में ये आ, मशीन स्टार्ट होकर के आपके बर्तन को क्लीन करे तो आप उतने आवर्स के ड्यूरेशन इसमें सेट कर सकते हैं एंड उस ड्यूरेशन के बाद में मशीन आ, सेल्फ आ, स्टार्ट हो जाएगी और आपके बर्तन को क्लीन कर देगी इसमें आपको इको एंड ऑटो के दो प्रोग्राम मोड भी मिलते हैं इको मोड पार सेविंग मोड है वहीं ऑटो में आप जो भी बर्तन प्लेस करते हैं मशीन बर्तन के हिसाब से ही क्लीन करती है यहाँ दिया हुआ स्पीड परफेक्ट ऑप्शन आपके लिए एक टाइम सेविंग ऑप्शन है जिसे सिलेक्ट करके आप डिश वॉशिंग का टाइम रिड्यूस कर सकते हो और कम समय में बर्तन को वॉश कर सकते हो तो आपको जो भी प्रोग्राम चाहिए उसे सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पार बटन दी हुई है यानी कि स्टार्ट बटन दी हुई है उसे आपको प्रेस कर देना है एंड मशीन स्टार्ट हो जाएगी अच्छा मेन डिस्प्ले में आपको यहाँ एस लेटर दिख रहा होगा एस का मतलब है सॉल्ट यानी कि सॉल्ट इसमें ऐड नहीं हुआ है ये ऑप्शन तभी दिखता है जब आप सॉल्ट नहीं ऐड करते हो क्योंकि मैंने यहाँ पे सोप ऐड किया है इसलिए मुझे सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है तो अगर आप सोप यूज़ कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को इग्नोर कर दीजिए ये मशीन बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करती बिल्कुल भी साउंड क्रिएट नहीं करती है तो आप बिल्कुल आराम से इसे ऑपरेट कर सकते हो आपको पता भी नहीं चलेगा मशीन कब स्टार्ट हुई और कब उसने वर्क करना परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो यहाँ बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसे ओपन करना है वॉश करने के बाद में थोड़ा सा टाइम आप दीजिए उसके बाद आप इसे ओपन करिए अदरवाइज एकदम से जो स्टीम होती है वो बाहर आती है यहाँ अंदर मुझे काफ़ी स्टीम अभी फ़ील हो रही है इसका मतलब बर्तन अभी गर्म है तो आप बहुत ही ध्यान से बर्तन को यहाँ से रिमूव करें यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक स्टील का बाउल रखा था और वो काफी अच्छे से क्लीन हो गया है और जैसे नए स्टील के बर्तन में जो शाइन होती है वैसी शाइन यहाँ पर मुझे दिख रही है बर्तन काफी ज्यादा क्लीन है एंड ड्राई भी हो गया है ऑल्सो आप इस तरह से देख सकते हैं कि सारे ही स्टील के बर्तन हैं वो काफी अच्छे से क्लीन दिख रहे हैं ग्लासेस वगैरह काफी अच्छे से क्लीन दिख रही हैं मैंने बीबी बॉटल्स प्लेस की थी वो भी अच्छे से क्लीन हो गई है बिल्कुल भी अंदर से किसी तरह की मिल्क की स्मेल नहीं आ रही है सिर्फ इसे ड्राई करना है तो बॉटल शेप में आप कोई भी चीज अगर अंदर प्लेस करते हो तो बिल्कुल वो ड्राई होकर बाहर नहीं आते उसके अंदर पानी आपको कुछ इस तरह से ड्रॉप्स दिखाई देंगे ये आपके सारे ही बर्तनों पर डिपेंड करता है तरह के बर्तन आप क्लीन कर सकते हैं बट अगर आपका कोई बर्तन बहुत ज़्यादा जल गया है तो वो एकदम क्लीन होकर के बाहर नहीं आने वाला है तो मेक श्योर कि आप ऐसे बर्तन अंदर ना डालें या फिर आप एक बार स्क्रब कर लें देन उसके बाद अंदर आप प्लेस करें वर्क्स मैजिकल और यहाँ नीचे आपको मिलता है ड्रेनेज एंड फिल्टर तो इसे आपको हर दूसरे दिन रिमूव करना है और एक सोप से एंड ब्रश से इसे क्लीन कर लेना है हल्के हाथ से क्लीन कर लीजिए ये करना सही रहता है जिससे कि हाइजीन मेंटेन रहती है मशीन की और स्मेल भी नहीं आती क्लीन करने के बाद में आप इसे वापस से मशीन में फिक्स कर सकते हैं और अपनी मशीन को रियूज कर सकते हैं मशीन को अच्छे से लंबे समय तक यूज करने के लिए सारी चीजें जरूरी हैं ऑल्सो आप मशीन में रिकमेंडेड वॉशिंग इंजिन ही यूज करें मशीन को क्लीन करें मशीन को ओवरलोड ना करें बहुत ज्यादा बर्तन ना भरें जितनी चीजें इसमें रिक्वायर्ड हैं उतनी ही भरें बर्तन को ओवरलैप ना करें जिससे कि आपके बर्तन अच्छे से 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 साफ हो पाएंगे मशीन को बाहर वॉश या फिर गीले पानी क्लीन ना करें ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं तो so इस डिशवॉशर का परचेज लिंक परचेज डिटेल्स आपको मिलेंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगी तो आप चेकआउट जरूर करें एंड अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप लिंक के थ्रू इस मशीन को परचेज कर सकते हैं तो ये तो थी डिशवॉशर से जुड़ी सारी जरूरी चीजें हैं एंड आई होप आपको यह वीडियो हेल्प जरूर करेगा और मैं मिलती हूं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में स्टे हैप्पी एंड बाय